हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज़ बाय अनिमा। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके सीक्रेट मसाले और पनीर फ्राई करने का जो तरीका है वो आप देखेंगे, वो बहुत ही मज़ेदार है। उससे ही आपके कढ़ाई पनीर में बहुत टेस्ट आएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो शुरू करते हैं कढ़ाई पनीर के लिए। कढ़ाई मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले ये कढ़ाई मसाला अगर आप बना लेते हैं तो चाहे आप इसको चिकन में डालिए तो कढ़ाई चिकन बन जाएगा, पनीर में डालेंगे तो कढ़ाई पनीर बन जाएगा, आलू में डालेंगे तो कढ़ाई आलू बन जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर कढ़ाई मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके लिए धनिया, जीरा और यहाँ पर लौंग ले लिया है, साथ ही के साथ दालचीनी डाल लिया है इसमें, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर, काली मिर्च आपको डाल लेना है। इसके साथ ही के साथ आप इसमें थोड़ा सा सौंफ ऐड कीजिए और जायफल और चक्री फूल जो होता है वो ज़रूर ऐड कीजिए, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं उसका पाउडर ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है, इससे फ्लेवर और कलर दोनों बहुत अच्छा आता है। अब तीखापन के लिए चाहें तो थोड़ा सा नॉर्मल रेड चिली जो होता है एक दो वो ऐड कर सकते हैं। मसालों को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज हो, एक अच्छी सी खुशबू आ जाए बस। उसके बाद हो गया हमारा मसाला तैयार और इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के लिए हल्का ठंडा होना चाहिए मसाला, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और एकदम आपको ठंडा भी नहीं करने देना है इसको। बस उसके बाद इसको ग्राइंड करके हमारा कढ़ाई मसाला तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारा कढ़ाई मसाला बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए, मैंने इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं ग्राइंड किया है, एकदम महीन नहीं पीसा है, हल्का सा मैंने दरदरा रखा है। आप चाहें तो फाइन भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो मसाला तैयार हो गया, अब हमें पनीर को कैसे फ्राई करना है ये देखिए। क्यूब में मैंने कट कर लिया है यहाँ पनीर को। ऑयल ले लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। इसी में हमें सारा प्रोसेस कर लेना है। तो इसमें मैं पनीर डाल देती हूँ और मीडियम हीट पर मैं इसको 1-2 मिनट के लिए हल्का सा इसको सेकना है। इसके बाद अभी तक मैंने तीखापन के लिए कोई चिली नहीं ऐड किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चिली पाउडर ऐड करूँगी और वो भी पनीर के अपर लेयर पे मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाट मसाला ऐड किया है, ये भी पनीर के अपर लेयर पे ऐड कर रही हूँ। अब अगर मैं पनीर को पलट के दूसरे साइड सेकने की कोशिश करती हूँ तो क्या होगा, सारा मसाला ऑयल में आ जाएगा और पनीर में टेस्ट नहीं रहेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है, उसको हल्का हल्का सा मैं पनीर के ऊपर डालूंगी, इससे मसाला सेट हो जाएगा और मसाला जलेगा भी नहीं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने 2-3 बड़े चम्मच कर्ड ले लिया है, दही ले लिया है, उसको अच्छे से फेंट लेना है और ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश दही होना चाहिए, ताज़ा दही होना चाहिए। इसको फेंट करके आपको रख लेना है। और ये देखिए, एक साइड से अच्छे से हो गया, जब मसाला सेट हो गया तो आप चाहें तो पलट सकते हैं दूसरे साइड, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस पनीर को हम निकालेंगे और इस दही में डालेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये पनीर की कोई भी रेसिपी अगर आप बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं तो पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा, बहुत टेस्ट आता है। तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब हम देखेंगे कि कर्ड को हम ग्रेवी में कैसे ऐड करेंगे, वो भी एक तरीका है, वो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ उसी ऑयल में मैंने क्या किया, थोड़ा सा अदरक डाल लिया है, थोड़ा सा इसमें लहसुन डाल लेंगे, छील करके ले लिया है मैंने, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कट करके ले लिया है। तो ग्रेवी आपको कितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा कलर चेंज हो गया, जैसे देखिए कलर चेंज हो गया। तो अभी ही हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर मैंने काट करके रख लिया है, इक्वल अमाउंट में आपको टमाटर भी ले लेना है प्याज के जितना, और उसको डाल के हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें टमाटर डाल दिया है तो नमक डाल लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। अब आप चाहें तो इसको ढक करके भी पका सकते हैं, लेकिन मैं बिना ढके पकाऊंगी। ढकने से हल्का सॉफ्ट तो वैसे हो ही जाता है, बट बिना ढके अगर आप इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेते हैं तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्टी खाना बन के तैयार होता है। तो बस इसको ग्राइंडर में निकाल लीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करना है दही
और इस दही के साथ ही हम इसको ग्राइंड करके फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। इसका हमें बिल्कुल महीन पेस्ट तैयार करना है और कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से टमाटर और दही की वजह से बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए, है ना, बहुत आराम से ग्राइंड होता है और एकदम फाइन सा हमारा ये पेस्ट बनके तैयार हो जाता है। अब हमारा पनीर तैयार है, ये पेस्ट तैयार है और जो हमने कढ़ाई मसाला बनाया था वो भी तैयार है। अब ये जो बचा हुआ तेल है, ऑयल है, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल या बटर ऐड कर लीजिए। और उसके बाद प्याज को मैंने क्या किया, 4 टुकड़ों में काट दिया है और एक एक लेयर उसका अलग कर लिया है। उसी तरीके से चौकोर साइज में ही मैंने शिमला मिर्च को भी काट लिया। प्याज हल्का सा फ्राई करना है, उसके साथ ही के साथ मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर दे रही हूँ। और इन दोनों को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बहुत हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि मसाले के साथ ये ज़्यादा पकना नहीं चाहिए तो इसकी क्रंचीनेस भी बनी रहनी चाहिए। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड करूँगी, यहाँ पर हल्का हल्का तीखा भी होना चाहिए क्योंकि दही हमने ऐड किया है। और किसी भी मसाले में अगर आप दही ऐड करते हैं, हल्का तीखापन रहेगा तभी जाके वो टेस्टी लगता है। हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च को 1 से 1.5 मिनट ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं ये पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो हमने प्योरे बना के रखा था, टोमेटो, अनियन, गार्लिक और जिंजर वगैरह का। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारे मिक्सी में हल्का सा बचा हुआ था प्योरे, उसी में मैं पानी डाल के नहीं ऐड कर रही, मैं थोड़ा सा दूध यहाँ पर मैंने लिया है और दूध की जो मलाई थी वो भी मैं इसमें डाल दी हूँ और उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी हमें नहीं चाहिए। तो जितना चाहिए उतने के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मिल्क ऐड करेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। पानी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, हल्का सा जैसे ही इसमें उबाल आ गया तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें मैं वो पनीर ऐड करूँगी और पनीर को मैं दही के साथ ही ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर दही है तो हमें गैस पे जब भी दही को ऐड करते हैं तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए या फिर गैस को बंद कर दीजिए। तो मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब जाके गैस के फ्लेम को मैं मीडियम लो करूँगी। और इसको देखिए, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब पनीर भी ऑलरेडी हमारा फ्राइड है थोड़ा सा और ग्रेवी तैयार है। तो ये देख गया, इसके अंदर ये मसाला जो कढ़ाई मसाला है बहुत टेस्टी बना देगा ये हमारे कढ़ाई पनीर को। और ये मसाला, ये सब मिला के जब आप बनाते हैं पनीर तो बहुत ही टेस्टी बनता है। बस आप इसको ढक दीजिए, 3 से 4 मिनट के लिए बस हमें इसको ढक देना है। ढकने के बाद इसमें जो हमने मसाले डाले थे उसका सारा फ्लेवर और जो हमने चिली डाला था कश्मीरी रेड चिली, उसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आप वीडियो में बताए सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऐसे ही मज़ेदार कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो जाएगी, जो रेस्टोरेंट और ढाबा सबसे अच्छा होगा। और घर के बने खाने की तो बात ही अलग होती है। और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिए, नान, पराठे, रोटी किसी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, मिलती हूँ ऐसी ही एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।